चिकन चीज स्टफ कबाब, जिसके लिए हमने यहाँ हाफ के जी चिकन का खीमा लिए है। इसे हमने अच्छी तरह से वॉश करके इसका सारा पानी ड्रेन कर लिए है। इस पर बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून चॉप्ड ग्रीन चिलीज, 2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 3 टीस्पून टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला। हमने यहाँ शान ब्रांड का मसाला यूज किया है, आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। 2 टीस्पून सॉल्टेड बटर। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। हमने जो टिक्का मसाला ऐड किया उसमें काफी सॉल्ट होता है, तो टेस्ट करके हम बाद में ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसमें प्याज ऐड करनी है। हमने यहाँ पे 3 छोटी प्याज लिए हैं, जिसका वेट है 230 ग्राम्स, और इसे हमने चॉप कर लिया है, लेकिन हमें इसका पानी ड्रेन करना है। तो हम प्याज लेंगे और इस तरह से इसका जो एक्सेस वाटर है वो सारा निकाल लेंगे। प्याज का सारा पानी हमने स्क्वीज कर लिया है, इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब एक मिक्सिंग जार या चॉपर ले लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा खीमा ऐड करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। बस हल्का सा इसे ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा इसका मतलब इसको एकदम बिल्कुल आटे जैसा नहीं बनाना है, हल्का हल्का सा हम इसे ग्राइंड करेंगे। खीमे को हमने ग्राइंड कर लिया है, अब हम इसे आधा घंटा साइड में मैरिनेट होने रखेंगे। खीमा मैरिनेट हो चुका है। हमने यहाँ पे कुछ ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं कबाब रोल करने के लिए। यहाँ हमने 2 अंडे लिए हैं, इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, 1 टेबलस्पून मिल्क, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इसे हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तो अब हम थोड़ा सा खीमा लेंगे, हम इस तरह से इसे फ्लैट करेंगे। हमने यहाँ प्रोसेस चीज को क्यूब्स में कट कर लिए है, तो हम कबाब के सेंटर में चीज क्यूब डालेंगे। आपको 2 या 3 या अगर आपको 1 क्यूब डालना है तो भी चलेगा। और इस तरह से हम सील करके इसका लॉन्ग शेप बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम सारी कबाब्स रेडी कर लेंगे। कबाब्स हमने रेडी कर लिए हैं। अब कबाब को सबसे पहले हम एग में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे। अगर आपको ये कबाब स्टोर करनी है तो आप इसे पहले एग में ना डिप करें, इसे डायरेक्टली ब्रेड क्रम्स में रोल करके आप इसे स्टोर कर सकते हैं। फिर जब आपको फ्राई करना है उस वक्त आप इसे एग में डिप कर लेना। इस तरह हम सारी कबाब्स को पहले एग में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में रोल करके रेडी कर लेंगे। कबाब्स की कोटिंग हो गई है। अगर आपको चिकन चीज बॉल्स बनाना है तो आप इसी रेसिपी से बना सकते हैं, बस शेप आप बॉल्स का दे देना तो वो चिकन चीज बॉल्स बन जाएगा। और अब हम कबाब को डीप फ्राई कर लेंगे। कबाब को गोल्डन ब्राउन होने तक हमें डीप फ्राई करना है। फ्लेम हम मीडियम टू स्लो रखेंगे। हाई फ्लेम पे इसे हमें फ्राई नहीं करना है, वरना उससे क्या होगा, सिर्फ आउटर कोटिंग डार्क हो जाएगी, अंदर चिकन का जो खीमा है वो अच्छी तरह नहीं पकेगा। बिल्कुल हल्के से हमें इसे टर्न करना है।